सो हाय गाइस, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज एक्चुअली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है, अगर आपका गाड़ी में हीटिंग इशू आ रहा है तो आपको कौन सा चीज़ जो चेक करना पड़ेगा। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो है उसमें बोल दिया था जे अगर मतलब गाड़ी का हीटिंग इशू आ रहा है तो इसका तीन ही रीज़न हो सकता है। एक इंजन ऑयल का, जो इंजन ऑयल के बारे में जो जो चीज़ था वो मैंने पहले वाला वीडियो में दे दिया, अगर आप वो वीडियो देखा नहीं तो अगर मतलब आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पे। तो वो चीज़ है, और जो जो चीज़ होता है आपको ध्यान में रखना चाहिए वो चीज़ है इंजन ऑयल कूलेंट का लेवल। सेकेंड चीज़ जो रेडिएटर का जो फैन है, जो रेडिएटर का जो सामने वाला हिस्सा है, वो सब चीज़ एकदम ठीक ठाक है कि नहीं, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एंड टाटा पंच का दो तीन ग्रुप में हूँ, तो कोई कोई डीलर कर रहा है, मतलब किसी किसी लॉट में ये दिक्कत आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ। ये वेस्ट बंगाल पे अभी तक मैंने किसी भी गाड़ी में नहीं दिखा, और मतलब कोई आदमी ने ये शेयर नहीं किया, बट बाहर में जो दिल्ली होता है बेंगलोर पे एक्चुअली मैं दिख रहा था। जे कोई कोई डीलर किसी किसी गाड़ी को बुला रहा है, मतलब कल करके बुला रहा है, एंड ऑल्सो दे चेंज देयर रेडिएटर फैन, रेडिएटर फ्यूज़, ये सब कुछ वो लोग चेंज कर रहा है। मतलब वो टाटा मतलब कंपनी से ही कुछ आया प्रॉब्लम, जो हाँ ये लॉट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब चीज़ वो लोग रिकॉल करके वो सब चीज़ सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है। तो ये एक बात है, बट हाँ एक ही चीज़, अगर मतलब शोरूम से कॉल आए कि अगर आपका गाड़ी में कुछ दिक्कत है तो वो लोग रिकॉल कर रहा है, तो प्लीज़ आप टाइम निकल के जा मतलब जाके वो चीज़ करवा लेना। नहीं मतलब कंपनी एक बार देख रहा है हाँ ये लॉट में ये प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ रिकॉल करके वो मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का कोशिश करेगा ज़रूर एक्चुअली, तो वो चीज़ आपको करना चाहिए। तो मैंने यही देखा एक्चुअली, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 10 से 12 केसेस देखा एक्चुअली, 10 से 12 आदमी एक्चुअली बोल रहा था जी हाँ उसके डीलर लोगों ने उसको कॉल करके बुलाया एंड उसका रेडिएटर का पूरा सेटअप चेंज किया, किसी किसी ने रेडिएटर का फ्यूज़ चेंज किया, रेडिएटर का फैन चेंज किया, ये सब कुछ किया एक्चुअली। एंड मतलब ये किसी किसी लॉट में एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो रहा है, और मैंने एक में भी देखा था एक्चुअली शोरूम से रिकॉल करके उसका स्पार्क प्लग भी चेंज किया था, उसका एक्चुअली प्रॉब्लम मुझको मालूम नहीं, बट हाँ वो चीज़ भी एक आदमी ने शेयर किया था ग्रुप पे, तो वो चीज़ भी मैंने देखा। तो मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली स्पेशली टाटा पंच के लिए, क्योंकि टाटा पंच एक्चुअली टाटा का मतलब अभी तक के लिए मतलब नया प्रोडक्ट है, तो अभी भी आर एन डी स्टेज पे ही है ये गाड़ी। तो इसके लिए अगर शोरूम से कॉल आ गया जहाँ ये चीज़ आपको बदल मतलब रिकॉल करके वो चीज़ वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहता है, तो प्लीज़ करवा लेना। तो यही एक बात है, तो अभी मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो मतलब रेडिएटर का क्या क्या चीज़ आपको नोटिस करके देखना चाहिए। तो पहले एक बार मैं बूट ओपन कर देता हूँ, सॉरी बोनेट, या चलो टाटा पंच का बुनेट को इधर से ओपन करते हैं, इधर से लॉक होता है। यही है टोटल सेटअप। मैंने जब इंजन ऑयल का जो चीज़ मतलब जो वो डिपस्टिक है वो दिखाने के टाइम भी मैंने दिखाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा ये इंजन ऑयल का जो कूलेंट का जो लेवल है, देखिए इधर लिखा है मैक्स, इधर लिखा है मिनी मतलब मिनिमम, देखिए इधर लिखा है मिनिमम, इधर लिखा है मैक्सिमम, हालांकि मेरे तो मैक्सिमम के ऊपर पे भी है एक्चुअली। ये जब गाड़ी ऑन रहता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, जब नॉर्मल रहता है तो ये थोड़ा सा नीच में मतलब ये मैक्सिमम पे चला जाएगा, जब गाड़ी मतलब नॉर्मल ठंडा रहेगा कूल रहेगा तो उसके टाइम पे, अगर उस मतलब उस टाइम पे भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ से ओवरफ्लो का लिए भी एक ऑप्शन है, देख लो यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये एक बात है। तो ये एक चीज़ कूलेंट का लेवल, इधर आपका फ्यूज बॉक्स है, ये फ्यूज बॉक्स आप चेक कर सकते हो इधर से, देखिए
सो इधर से आप फ्यूज बॉक्स को चेक कर सकते हो, प्रेस कर दो कि ये बैठ जाएगा। इधर है रेडिएटर का फैन जो है, देख लो ये रेडिएटर का फैन मतलब ठीक से चल रहा है कि नहीं, वो चीज़ भी आपको देखना होगा। और इधर से भी आप एक बार देख लेना, हालांकि मेरा गाड़ी तो अभी नया है इसके लिए ये टोटल पूरा क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं। बट टाइम से मतलब बाय द टाइम एक्चुअली ये इसमें रास्ट आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑल्सो वो जो मैंने बोला हाई प्रेशर वाटर वॉश से ये डैमेज हो जाता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सो रेडिएटर में ये दो तीन चीज़ ही है आपको देखना होगा, मतलब जो कूलेंट का एक्चुअली जो कूलेंट है यहाँ से जाके रेडिएटर में होके मतलब यहाँ से रेडिएटर में जाता है, सो ये चीज़ भी आपको देखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग, मतलब गाड़ी का कूलेंट चेक करना। एंड इधर तो इंसुलेशन पैनल होता ही है, तो इसके लिए बाहर से आपको उतना मतलब हीट महसूस नहीं होगा, बट हाँ अगर गाड़ी का हीट ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी का मतलब इंजन ऑफ हो जाएगा, मतलब गाड़ी एकदम रुक जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि अगर मतलब आप देख लेना एक बार ठीक से, उसके बाद ही मतलब अगर आप लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हो तो पहले आप देख लो गाड़ी को एक बार ठीक से, ये हीटिंग मतलब ये कूलेंट एक बार इंजन ऑयल का जो लेवल है ये सब चीज़, उसके बाद ही आप मतलब जाना। एंड ऑल्सो इधर आपका ब्रेक ऑयल का भी लेवल है, ब्रेक जो ऑयल है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इधर है मैक्सिमम, ये देखिए इधर है मैक्सिमम, इधर लिखा है मिनिमम, कैमरे पे शायद नहीं आ रहा है, तो इस साइड पे है मिनिमम, इस साइड पे है मैक्सिमम, तो ये चीज़ भी आपको एक बार देखना चाहिए ये ब्रेक ऑयल भी कितना क्या है कि नहीं। और इधर तो नॉर्मल ये है वाइपर फ्लूइड के लिए, तो अगर कहीं पर भी आप जा रहे हो तो इससे पहले ये आपको टॉप अप कर लेना चाहिए, उसके बाद आप जाना कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग, एक बार मैं बोनेट बंद कर देता हूँ, उसके बाद अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कोई लॉन्ग ट्रिप है या शॉर्ट ट्रिप, अगर गाड़ी में इंजन में मतलब जो इंजन का हीटिंग इशू आ जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगा, तो इससे बेहतर यही है मतलब एक दो महीने, तीन महीने, चार महीने में एक बार अगर मतलब आप देख लेना ये सब चीज़ सही है कि नहीं। तो दिस इज़ फॉर नाउ एंड मीन्स हीटिंग पार्ट। सो या थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।